सो जी हमारा अयान जो है ना वो रेडी होके आ गई यहाँ। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने ये रेसिपी से स्टार्ट किया। मैंने कहा आज मैं आप लोगों को कंप्लीट रेसिपी देती हूँ गोभी आलू की। जी गोभी आलू की जो है ना आज मैं खुद बना रही थी, मामा नहीं बना रही थी। मैं पहले बता रही हूँ, फिर आप लोग कहते हैं कि जो है ना आपकी मम्मा बना रही होती हैं, तो नहीं जी मैं बना रही थी ये वाली रेसिपी। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है ना वो डाल दिए हैं प्याज, लहसुन, टमाटर। यहाँ पे ये भी ऐड कर रही हूँ। टमाटर का जो है मैंने गोल गोल काट लिया था, अभी मैंने आज जो है ना वो मैंने क्या करती हूँ टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ, वो नहीं बनाया था। और ये जो हमने नया जो है ना बर्निंग का बॉक्स लिया था उसको जो है ना मैं बड़े तरीके से खोल रही थी, और इसमें जो है ना नमक, हल्दी, मैंने 1 टीस्पून और नमक आपके अपने हिसाब से डाल लें। ठीक है, ये डाल मिक्स किया क्योंकि मसाला थोड़ा सा लग रहा है, तो सारा सा पानी ऐड कर दिया था। देन जो है ना वो बाकी जो मसाले वगैरह था वो भी ऐड किए, मिर्ची, ज़ीरा, तो ये सारा कुछ ऐड वाइड हो गया था। मसाला बिल्कुल हमारा बनके तैयार हो गया था। फिर जो है ना वो मैंने इसमें गोभी और आलू डाल दिए। गोभी आलू डालने के बाद इनको जो है ना वो आपने आराम आराम से मिक्स करना है, मेरी तरह जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से नहीं मिक्स करना कि गोभी सारी टूट जाए। मेरी आधी गोभी टूट गई थी लेकिन आधी गोभी नहीं टूटी थी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो देखने में आप लोग को बता रही हूँ, आराम आराम से मिक्स कर रही हूँ, वो खुद ही टूट गई। आधी जो है ना वो आपको साबुत नज़र आ रही होगी, और इसके ऊपर ज़ीरा स्प्रेड कर दिया हमने, हमारी गोभी रेडी हो गई। ये झटपट सी रेसिपी है, इजीली बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। और ये जो है ना रेसिपी अगर आप लोगों ने ट्राई की ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ जी यहाँ पर। अल्लाह जाने मुझे नहीं पता खुद आज क्या बनने वाला है, और मौसम जो है ना वो आज थोड़ी सी गर्मी हो रही है, और कराची में वैसे सर्दी दिसंबर का चल रहा है, सुबह सुबह सर्दी थी, आज तो अभी दिन में मुझे गर्मी लग रही है। यहाँ पे जो है ना वो मैंने आलू डाल दिए, मटर डाल दिए, गाजर डाल दिए, यहाँ पे जो है ना मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। राइस जो है ना वो हमारे बॉयल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और ये मैं दिखाती हूँ जी, अयान ने बनाया है ये बैट रूहान के लिए, और पता नहीं इसके ऊपर बॉयल कैसे लगेगी लेकिन रूहान के लिए बना दिया है। और अगर आप लोगों ने ना मेरा चैनल अभी हम जो है ना वो चलते हैं, मैंने जो है ना वो बच्चेस के लिए जो है ना वाटर नहीं डाला, उनके लिए जो है ना वो मैं आज पानी डाल के रखना है, मैंने उनको पानी दिया ही नहीं था, मैं भूल गई थी इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया। और हम बहन भाइयों की हरकतें ही होती है, थोड़ा सा प्लांट पर डाल देते हैं। ठीक है, सो वो चलते हैं। बच्चेस को जो है ना वो मैं पानी देती हूँ क्योंकि वो प्यासे बेचारे जो है ना वो मेरा मनी प्लांट, ये लोग जो है ना वो यहाँ पर मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी मैंने इनकी शीट भी निकाल के साफ़ करनी है, उसको भी साफ़ करेंगे अभी हम, इसको भी निकाल लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे और साफ़ करेंगे। और मेरे बजेस जो है ना वो यहाँ बैठे हुए सारे के सारे, ये मैं निकाल रही हूँ इसकी शीट को। ठीक है, बिकॉज आई आई यार कचरा बहुत गिर रहा है, ये निकला, ये फंस गए हैं, ये निकला है। एक हाथ से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक हाथ से ब्लॉगिंग है, एक हाथ से काम बहुत ज़्यादा दोनों डिफिकल्ट काम है। सो जी ये इनकी गंदी शीट को जो है ना वो हम बाय बाय करेंगे, टाटा करेंगे, और इसके लिए जो है ना वो अब मैं न्यू शीट लगा दूँगी ना इसको हटा के। जी हमने जो है ना वो इन लोग की शीट वगैरह लगा दी है, अभी मैंने शॉपर वगैरह लगा दी है, और इसको जो है ना मैं यहाँ रख दूँगी क्योंकि इससे ईजी रहती हूँ मैं थ्रो आउट करने में। सो जी हमारा अयान जो है ना वो रेडी होके आ गए यहाँ पर, टन 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 लग रहे हैं, है ना अयान? अच्छा लग रहे हो आज? आज अयान ने जो है ना वो न्यू जैकेट पहनी है, मम्मा आके इसको बताएंगी कि नई हो जैकेट तुमने पहन ली, ज़रा पैसे वैसे बड़े उठाए हुए मेरे भाई ने, मुझे चीज़ खिलाएगा मेरा भाई प्यारा अयान। हाथ जोड़ लिए, देखो यार आप ही को बहन को पैसे देने से ना रिस्क में और इजाफा होता है। अल्लाह मैं नहीं देती भाई, आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं नहीं देती होंगी इसे, हैं हैं? वाह यार, सो छोड़ो यार इसकी बातों को, अभी हम जाते हैं अपना खाना वाना बनाते हैं, इसकी जो है ना वो हरकतें यहीं की यहीं रहनी है। सो जब पहुंच गए हैं हम अपने खाने की जगह पे, ठीक है, अभी हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसके अंदर जो है ना वो मैंने ऑयल थोड़ा सा ऐड करना है, जस्ट ऑयल ऐड इन इट थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने और अयान ने ही खाना खाना है आज। आप सोच रहे होंगे सारे कहाँ हैं यार, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, सबसे ज़्यादा चुड़ैल रेहान की आवाज़ नहीं आ रही, तो भाई
मेरी बहन जो है ना वो चुड़ैल गई हुई है पुरानी पे, ठीक है। तो अभी जो है ना वो हम यहाँ पे डालने लगे ऑयल इसके अंदर, थोड़ा सा फ्लेम को करते हैं स्लो क्योंकि मुझे जो है ना वो डर लग रहा है। और ये लड़का जो है ना ये खाने लग गया मेरे यार, मैंने बॉयल करके इसलिए रखे हैं कि मेरे जो है ना वो इसके अंदर बनाना है कुछ, ठीक है ना। नूडल नहीं बना रही मैं, पापा मैं नूडल्स बनाऊंगी। ऑयल को जो है ना वो हम अच्छे से करेंगे फ्राई। ऑयल को कह रही हूँ ऑनियन को, ठीक है। ऑनियन को हम अच्छे से करेंगे फ्राई। ऑनियन को मेरे मोटा मोटा ही ऐसे काट लिया भाई, मैंने खुद नहीं खाना है, हम खुद नहीं खाना है और किसी ने नहीं खाना, तो इसलिए इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है मेरे ख्याल से, ठीक है। ऑनियन फ्राई हो जाएगा तो मैं सारी अपने बॉयल सब्जियां डाल दूंगी इसमें, अच्छे थोड़ा सा गोल्डन कलर लाऊंगी इसका, ठीक है। वो ट्रक की जो है ना वो खड़ा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है नूडल्स। क्या बना रहे हो आप? ये पानी डाला हुआ है जिसमें मैंने अभी खाना बनाया था, उसमें पानी डाला हुआ है, इस कह रहे हैं मैं नूडल्स बना रहा हूँ, ठीक है। रोहन नूडल्स बना रहे हो? यू आर मेकिंग नूडल्स? यस। ओह माय स्वीट बेबी मेकिंग नूडल। अब ये कहाँ चढ़ने लगे, शेड से गिर जाएंगे आप। ओहो आई जस्ट वॉन्ट, मुझे ये पालक चाहिए, मैंने कट करके देनी है अपने तोतों को। मैंने बजीज के लिए पालक कट करनी है, तो मैंने जो है ना क्या करना है, नाइफ इनको कट करके अभी डाल के देंगे। अभी हम इसको कट करते हैं। पालक कट हो गई है और मैं इसको लेकर जा रही हूँ भाई इस प्लेट में, तो मैं खाना खाती हूँ, ये थोड़ी डालूँगी। यहाँ रखते हैं हम इसको, ठीक है। इसको उठाते हैं और इनकी ट्रे वहीं अंदर पड़ी हुई है, तो मैं उसके अंदर डालूँगी। मुझे बस एक हाथ में कैमरा होगा और एक हाथ में रिव्यू, क्योंकि ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। मैंने पालक आधी डाल दिया, आधी रह गई है यहाँ भी, ठीक है। मैंने इसको भी डालना है पूरा, मैंने जो है ना वो कंप्लीट पूरा डाल देना है। और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये काटने के ऊपर आ रहे हैं, ये बहुत काट रहा है। ये जो नया वाला आया है मुझे सही से रखने भी नहीं दे रहा था, अभी मैंने इनको जो है ना वो यहाँ पे यूँ रख दिया है। अभी हम इसको उठाते हैं प्लेट को। सो गाइस यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो खीर बनाई है, और अयान कह रहा है खीर बनाई है आपने बहुत मज़े की है, मज़े की बनी है, लेकिन जो है ना वो मैंने चीनी डाली भाई, मेरे भाई चीनी के डब्बे में जो है ना गिर विर गया ना, अभी मैंने भरा है, तो थोड़ी सी जो है ना वो अयान यहाँ पे चीनी डालने लगा है। ऐसा करो अयान थोड़ी सी रोहन, ये देखो और बस काफ़ी है, बंद करो अब इसको। लो आप लोग मिल तो अभी जो है ना वो हम इसको मिक्स करते हैं, और रुहान को जो है ना वो मैं डालकर देखती हूँ खीर, क्योंकि रुहान ने जो है ना वो सारी मांग रहा कि आप मुझे डाल दीजिए। स्वीट बेबी यहाँ पे जो है ना एक भाई लशबश तैयार खड़ा हुआ है, दूसरा भाई जो है ना वो अभी तक रेडी नहीं हुआ, क्योंकि आज जो है ना वो रुहान के एंटर नहीं गया था, बाहर बाहर मैंने जाने ही नहीं दिया आज इसको, सही है। ये हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया, अभी मैं आप लोग को जो है ना वो डालती हूँ। आओ मामा पापा मैं खाने लगी हूँ। आयान इसकी खीर मेरे मुँह में डालना। मैंने अपने मुंह में डालने को कहा था। आयान बस करो नहीं बहुत हो गया आयान, उसके लिए थोड़ी सी है और ये फिर अपने मुंह में डाल गया, कितने बदतमीज हो, उसके लिए छोड़ी। चलो आ जाओ, ये लो भाई डाल रहा है, ये देखो 1 टीस्पून और डालो बस, नाइस। मेरी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, खत्म हो गई तो आ जाओ।